जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फराज लंदन से बात कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा भी इमरान खान की तकरीर के ऊपर भी बात करूंगा और ये जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड मीडिया है, हमारी मीडिया किस तरीके से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही, इस सिलसिले में भी बात करूंगा। अहम तरीन चीज ये कि इमरान खान बार बार ये बोले जा रहे हैं कि देखो कि अगर हमने लॉकडाउन कर लिया 2 वीक के लिए, 2 वीक के बाद क्या होगा। एंड ही इज राइट बेसिकली कि 2 वीक के बाद आपने और आगे क्या करना है, इकोनॉमी को चलते भी रहना है, पहिया भी चलता रहना है। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है लोगों को, और ये स्पेशली जो सो कॉल्ड सहाफी है, मैं खुद भी इससे ताल्लुक रखता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग किस एजेंडे पे चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, समझ से बाहर है कि इस एजेंडे के ऊपर के मीर शकीर रहमान को बचाने के लिए आप एजेंडे पे लगे हुए या किस एजेंडे पे लगे हुए हैं। आप उनसे सवालात क्या कर रहे हो कि जी फलाना दिमागा जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, होप दिलाएं भाई, कौम को होप दिलाएं इस टाइम पे कि हम लोग ये करेंगे, या कोई स्ट्रेटजी दीजिए या कोई सवालात ऐसे कीजिए कि जिससे कौम के अंदर मोरल बढ़े, कोई चीजें हों। यूके के अंदर इस टाइम के ऊपर 1-2 वीक से यही चल रहा है और वो यही सोच रहे हैं कि इसकी इकॉनमी भी वहां चलते रहे और लोग आपस में मिले नहीं। मेन चीज है लोगों का बाहर निकलना या बाहर लोगों का 2 लोगों से ज्यादा या 3 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होना, मेन चीज तो ये है ना आपकी, बाकी सब चीजें चल रही है। अच्छा मैं बात करूंगा कि यहाँ यूके के अंदर अभी इतने दिन से ये चीज चल रही थी, ये लोग बोलते रहे अब लास्ट लॉकडाउन, और उन्होंने अभी लॉकडाउन किया, चीजें किया, अब उस लॉकडाउन में आप देखिए है क्या, 2 लोगों से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते आप। ठीक है जी, अब मैं आपको भी दिखाता हूं, मैं बैंक्स खुले हुए, पोस्ट ऑफिस खुले हुए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले हुए और दूध और अशिया इन चीजों की चीजें खुली हुई हैं। मेन चीज क्या है, जो लोग घर से काम कर सकते हैं घर से काम करें, काम मना नहीं करा, काम करते रहिए, घर से काम कीजिए, और लोग जो हैं चीजें नहीं, पर लोग आपस में मिले नहीं, मेन कंसर्न है मिलना आपस के अंदर, 2 से ज्यादा 2-4 ग्रुपों के साथ मिलाना नहीं। बट इनको भी पता है कि इकोनॉमी चलाती रहने है इन्होंने, की वर्कर्स किसको कहते हैं, जिनके बच्चे जो है वो पुलिस के बंदे हैं, पुलिस के अंदर काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर है या कोई फायर ब्रिगेड या इमरजेंसी के अंदर, उनके बच्चों के लिए भी स्कूल खुले हुए, बट क्या है एहतियात के साथ सब चीजें चल रही। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई टोटल लॉकडाउन करने का कोई आपका जवाब नहीं बनेगा, ग्रेजुअली लेकर चलें लोगों को, कीजिए लोग बाहर ना निकले। इसके अंदर मकसद ये है कि ये चीजें को हम लोगों को समझना चाहिए और चीजें करना चाहिए, और प्लस ये कि तनकीद ना करो भाई, मेरे भाई सारे लोग मिल के आगे काम करो, मिल के सारे एक ग्रुप बनाओ, चीजें करो। मेरा मेन तो ये है कि आप अपना मोहल्ला कमेटी बनाई जाए, मोहल्ला कमेटी बनाए, 15 घर के अंदर जितने लोग हैं उनमें से एक घर को ऐसा चुने जो बुजुर्गों को रखे, सिर्फ बुजुर्गों को, एक घर ऐसा हो जो बीमार वगैरह हैं एक घर में उनको आइसोलेट कर लीजिए, बाकी लोग सारे मिलजुल के रहें, साथ में रहें, बट अपने घर के अंदर रहें, और जो 15 घर हैं उससे ज्यादा बाहर बाहर ना निकले। कोई जाना है किसी ने, एक बंदा जाए और शॉपिंग करके आए और 15 घर को प्रोटेक्ट करे, हम लोग प्रोटेक्शन के साथ चले, 15-15 घर कमिटीज बना ले, जो करीब के लोग हैं बिल्कुल वो अपना चीजें कर लें, ताकि एक दूसरे को वो ना हो, रिलीफ करने के लिए जो 15 लोग हैं उनकी कमेटी बनाई जाए, उसको एक रिलीफ फंड में गवर्नमेंट के साथ वो कर दिया जाए, ताकि अगर उनको कोई जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत है, 20 घर हो, 25 घर हो, 50 घर हो, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस की मोबाइल आके उनको राशन दे, चीजें दे। इसी तरीके से काम चल सकता है, कोई बस्तियां हैं तो बस्तियों में आपस में मिलकर काम करा जाए, अगर कोई बीमार है तो उसको साइड में किया जाए, जो वॉरनेबल लोग हैं उनको साइड में किया जाए, जो सही लोग हैं वो अपने साथ रहे। यूके के अंदर हर चीज किस तरह खुली हुई और किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से ये बैशिंग की जा रही है इमरान खान को, मुझे समझ से बाहर है मीडिया के लोग क्या बैशिंग कर रहे हैं, किस बात की बैशिंग कर रहे हैं। देखें ये है लंदन का माहौल इस टाइम पे, कि जो मैं बता रहा था कि इमरान खान भी जो बात कर रहे हैं कि जो इंटर्न सारे लोग हैं लॉकडाउन कर देंगे उसके बाद क्या होगा, 2 वीक के बाद, 2 वीक के बाद भी कुछ नहीं होना था, ये अलग अलग इन्होंने किया हुआ। देखिये पेट्रोल स्टेशन खुले हुए हैं, यहाँ पे चीजें खुली हुई हैं, दूध दही की दुकानें खुली हुई हैं, बट लोगों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है तब आप आए बाहर, उसके अलावा आने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए बैंक्स खुले हुए हैं, ये बैंक है यहाँ पे, ये बैंक भी खुला हुआ है और पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी खुला हुआ है, ये मैं पोस्ट ऑफिस अभी जा रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
इंटरनेशनल माहौल में दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हमारे लोग उसको बैशिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहानी है।